तो आज हमारे पास है T10 अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच। तो गाइज आज हम इस स्मार्ट वॉच में लगे हुए फोटो को हटाकर बताने वाले हैं और इसको कैसे हटाएं, कैसे डिलीट करें इसमें से और कैसे चेंज करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी जो स्मार्ट वॉच में फोटो लगा हुआ है हमारा, उसको कैसे हटाए स्मार्ट वॉच में से। तो मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आज स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्मार्ट वॉच में से अपने फोटो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिसेट सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में आप बोलोगे कि हमारे जो ये ट्रिक है वो वर्क नहीं किए। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट वॉच को साइड में रख देना है और जो अपना स्मार्टफोन है उसको यहाँ पर आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच जिस एप्लीकेशन से कनेक्ट होती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको यहाँ पर ओपन करना है अपने फोन में। अपने फोन में ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट वॉच में से जो ब्लूटूथ है उसको आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है, आप भी ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोन स्मार्ट वॉच को सर्च करना है अपने फोन पर। तो यहाँ पर सर्च हो चुका है, अल्ट्रा 2 ऊपर नाम आ चुका है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही चार ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाएंगे आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी वॉच जो है कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कुछ लोगों ने बताया कि हमने रिसेट वाले डिवाइस पर भी क्लिक किया है लेकिन यहाँ पर हमारा फोटो नहीं हटा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिसेट किया है इसको, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं हमारा जो फोटो है वो हटता है या फिर नहीं हटता है। तो यहाँ पर हमारी जो स्मार्ट वॉच है देखिए यहाँ पर अभी भी फोटो लगा हुआ है इसमें। मैंने इस स्मार्ट वॉच को रिसेट कर दिया फिर भी फोटो नहीं हटाया, बट लॉक लगा हुआ था वो हट चुका है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर लॉक हट चुका है लेकिन फोटो अभी भी यहाँ पर ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो डायल सेटिंग है उसमें चले जाना है। डायल सेटिंग में, डायल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे डायल देखने को मिल जाएंगे, जो वॉलपेपर है और स्मार्ट वॉच का जो अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टाइमर वगैरह का। तो यहाँ पर आप अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छे अच्छे डायल यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा भी आप अपने पसंद का यहाँ पर डायल सेट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने गोटेट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये वाला जो डायल स्टाइल है यहाँ पर ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारी स्मार्ट वॉच में जा रहा है वो, वेट करना है। मैं यहाँ पर से वीडियो को फास्ट कर देता हूँ जिससे हमारा जो है टाइम बच जाएगा। चलिए वेट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर ये डायल था जो अपलोड हो चुका है यहाँ पर पूरा होने वाला है ये। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा हो चुका है ये, देखिए यहाँ पर हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो रिस्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर देखिए। तो अभी यहाँ पर कुछ ही देर में हमारा जो डायल है यहाँ पर आ जाएगा स्मार्ट वॉच में। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो फोटो है वो रिमूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हटा है या फिर नहीं हटा है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं हम। तो देखिए हमारी जो स्मार्ट वॉच में हमारा जो फोटो लगा हुआ था वो यहाँ पर हट चुका है। तो यहाँ पर यह है स्मार्ट वॉच में कि आपके जो स्मार्ट वॉच है उसमें एक ही फोटो की जगह दी गई है खाली। जैसे आप बार बार फोटो चेंज करेंगे तो वो एक ही फोटो जो है चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिक। जैसे आप अपना फोटो लगाएंगे फिर किसी दूसरे का लगाएंगे तो आपका फोटो हट जाएगा, वहां से दूसरे का आ जाएगा, दूसरा डायल आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेंज करना है।